दिन जो घोषणा किए थे 31 रुपया का, वो पैसा नहीं आ रहा है। पहले का समर्थन मूल्य से पैसा आ रहा है। सरकार की मंशा है अब दे या न दे, हम तो आस लगा के बैठे हैं पर अभी उम्मीद नहीं, उम्मीद नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। आज हम पहुँचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के गृह ग्राम जोगीसार में और यहाँ पे किसानों से बात करेंगे कि उनको इस वर्ष जो धान उन्होंने बेचा है उनको किस रेट में बेचे हैं और क्या लगता है उनको कि जो सरकार ने वादा किया है 3100 रुपये उनको मिलेगा, सरकार से उनको उम्मीद है कि नहीं है, और जो पिछला बोनस था वो इनको मिला है कि नहीं। चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री का गृह ग्राम है और कभी इस गाँव से ही छत्तीसगढ़ की राजनीति होती थी। अजीत जोगी यहाँ पहुँचते थे और इसी गाँव से राजनीति की शुरुआत होती थी, पर अब वो नहीं है। उनके नहर नहीं रहने का कितना दुख है और क्या लगता है कि 3100 में इस बार सरकार धान से खरीदेगी कि नहीं। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम पवन कुमार राठौर है। राठौर जी, ये पूर्व मुख्यमंत्री का गांव है जी। क्या लगता है इस बार जो धान आप लोग बेच रहे हैं तो क्या स्थिति देख रहे हैं? स्थिति तो ठीक है, लेकिन जो घोषणा किए थे 3100 रुपये का, वो पैसा नहीं आ रहा है। पहले का समर्थन मूल्य से पैसा आ रहा है और जो बोनस का वादा घोषणा किए थे वो बोनस डला है, ये जानकारी में है। उस समय हम तो नहीं बेचे थे। बाकी जोगी जी का तो बहुत अच्छा पहल रहा, नहीं है उनका बहुत खेद है। अब क्या लगता है, नई सरकार से उम्मीद है गांव में कुछ विकास होगा इस गांव में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का गांव है। आप लोग यहां पे पहले जलवा देखे, अब क्या देख रहे हैं, उस तरह का है कुछ? उस तरह से तो नहीं रहा, वो रहते तो यहां पे काफ़ी हद तक काम हुआ है। उनके नहीं रहने पे भी उनके पुत्र के द्वारा आते हैं समय समय पे वो, और यहाँ के विकास कार्यों के बारे में चर्चा भी करते हैं। मांग करने पे वो विश्वास दिलाते हैं काम हो जाएगा करके। और किसान उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम भाई? त्रिभुवन सिंह पैकरा। धान बेचे जी? जी। क्या रेट में बिका धान? 21 रुपये 83 पैसा। तो सरकार जो वादा की है 3100, क्या लगता है? अब सरकार की मंशा है अब दे या न दे, हम तो आस लगा के बैठे हैं कि मिल जाए हमको 3100 रुपये धान की हमको कीमत, और किसान भी खुश हो जाएंगे। और जैसे रेट बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से हमको भी रेट मिलना चाहिए किसान भाइयों को। पर अभी तक मिला नहीं है तो अभी मिला नहीं है, बाकी सरकार की मंशा है, देगा कि नहीं देगा उनके ऊपर है कि नहीं। सरकार बोली थी कि सरकार बैठते ही किसानों को 3100 रुपया धान का कीमत दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है। आस लगा के बैठे हैं, देखते हैं कब तक मिलता है या नहीं मिलता है। आप भी किसान हैं, क्या लगता है धान का रेट 3100 मिलेगा कि नहीं? धान का रेट 3100 पता सुनाई दी से सरकार है ना, तो अभी का दिन देते कि नहीं देते नहीं जाना था अभी, मगर बोलिश तो है, भरोसा है, भरोसा तो करे हैं बात के अनुसार से। हाँ, बस इतना। पर अभी उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी जो रेट मिल रहा है? अभी मिल रहा है 2100। 3100 भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है अभी। क्या लगता है सरकार अपना वादा पूरा करेगी? अब करेगा उसको नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो आपने सुना कि किसान बोल रहे हैं हमने धान बेच दिया, मिले ना मिले वो सरकार की मंशा, हम तो अपना काम कर रहे हैं। और किसान उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम आपका? वीरेंद्र सिंह बात रहे। कौन सा धान लेके आए हैं? अभी क्या भाव बिक रहा है धान का पता है? अभी तो वहाँ टांगे हैं कि 3100 रुपया, तो अभी बेच रहे हैं पता नहीं। हम तो उम्मीद वही कर रख रहे हैं कि 3100 रुपया देंगे सरकार। पर अभी 2100 मिल रहा है? हाँ, अभी पता नहीं, अब हम अभी शुरुआत बेच रहे हैं तो जी। जो किसान बेचे उनको भी पूरा पैसा थोड़ी मिला है? नहीं नहीं तो मिला, ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना। हाँ, क्या लगता है सरकार जो बोला था वादा पूरा करेगा? अब उम्मीद तो रख रहे हैं क्योंकि अभी बेच रहे हैं, तो हमें उम्मीद ही है कि देगा कह करके सरकार जी। तो किसानों का कहना कि उम्मीद है और उम्मीद पे ही लोग धान बेच रहे हैं, और किसान उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख पाएंगे कि धान तोलाई का काम चल रहा है, किसान यहाँ अपना धान लेकर पहुँच रहे हैं, जो रेट है बिके बिक जाए। आप भी धान लेके आए हैं क्या? हाँ। अभी क्या भाव बिक रहा है? पता नहीं, क्या बताए, 2100 रुपया ले रहे हैं। 2100? सरकार बोले 3100 में ले, तभी 3100 नहीं लिए? नहीं लिए हैं अभी। अब बोले तो हैं लेंगे करके, तो हम लाए हैं, अब पता नहीं सरकार देंगे या नहीं देंगे। उम्मीद में बेच रहे हैं? उम्मीद में बेच रहे हैं, अब सरकार देगा करके। कुछ खाने के लिए रखे हैं, कुछ सब
पैसा मिलेगा 31 रुपए करके, कुछ बेच रहे हैं खर्चे पानी के लिए। तो आपने सुना कि जो किसान है वो कह रहे हैं कि हम उम्मीद में धान तो बेच रहे हैं, अब देखते हैं सरकार की क्या मंशा है। उनका धान 3100 में बिकता है कि 2100 में बिक रहा है, पर अभी जो रेट मिल रहा है उनको 2100 रुपये का रेट मिल रहा है, और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि उनको सरकार उनके साथ न्याय करेगी। छत्तीसगढ़ के लिए राकेश मिश्रा, जोगी सर।